घुसपैठियों को खदेड़ने वाले बीएसएफ जवान गुरनाम सिंह का आज होगा अंतिम संस्कार। पाक रेंजर्स की फायरिंग में हुए थे घायल। और पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का करेंगे दौरा। गैस पाइपलाइन परियोजना का करेंगे उद्घाटन। काशी को देंगे 800 गांव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस खास कार्यक्रम कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पंडित धनंजय दुबे। जी हां, हमेशा की तरह आज का विषय भी बहुत ही अहम है। बहुत ही अहम जानकारी आज आपको मिलने वाली है। दिवाली आने वाली है। दिवाली जो कि खुशियों का, रोशनी का त्योहार है, और प्रकाशित जो दिए होते हैं वो ना केवल आपके घर को रोशन कर रहे होते हैं बल्कि आपके जीवन को भी प्रकाशित कर रहे होते हैं। खुशियां आपके जीवन में आ रही होती हैं। बहुत ही एक सकारात्मक सा जो एक माहौल है इन दिनों में हमें देखने को मिलता है। सब में आपसी भाईचारा, प्यार दीपावली के इस पावन अवसर पर हम देखते हैं सब में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कुछ खास दिए अगर आप अपने घर में प्रज्वलित करते हैं, खास दिशा में अगर आप उन्हें जलाते हैं, खास अंदाज में, खास विधि अगर आप अपनाते हैं जो आपको आचार्य जी बताने वाले हैं, तो यकीनन आपके जीवन में ढेरों खुशियां आएंगी। लेकिन चलिए विस्तार से हम जानकारी लेंगे आचार्य जी से, क्या कुछ बताने वाले हैं आप। बात करेंगे दिए की, रोशनी की, प्रकाश की। ये ऐसी चीजें हैं कि अगर घर में प्रकाश हो, घर में उजाला हो, तो आपके जिंदगी का अंधेरा भी खत्म होता है। विशेष दिए हम आपको बताएंगे, आज से लेकर दिवाली तक के दिन आप एक एक दिए का प्रयोग कीजिए और उन एक एक दियों का अपना अपना लाभ है। जिंदगी में प्रत्येक क्षेत्र का अलग अलग लाभ है, तो आप ये दिए जरूर प्रज्वलित करें और इससे संबंधित जो लाभ है वो लीजिए, क्योंकि ऐसा अवसर हमेशा नहीं मिलता है और इस बार की दीपावली और ये कार्तिक मास भी बड़ा शुभ और विशेष है। बिल्कुल, बहुत सारी अहम जानकारियां हैं। सीक्रेट नंबर भी आपको दिया जाएगा आपके मूलांक के अनुसार, जो आपके भाग्य को एकदम से बढ़ाएगा। और साथ ही साथ बात होगी महिलाओं के बारे में, उनके सम्मान के बारे में। पूरे 24 घंटे हर क्षेत्र, हर कार्य में, अपने परिवार में, समाज में सम्मानित हों आप महिलाएं, इसके लिए खास प्रयोग आपसे हमें भी बस हम आपको आगे देने वाले हैं। लेकिन चलिए उससे पहले हम चाहेंगे कि आप अपनी आंखों को बंद कीजिए, दोनों हाथों को जोड़िए और ध्यान से सुनिए दिव्य स्तुति, क्योंकि इसे सुनने मात्र से ही आपके कष्ट कट जाते हैं। बात करेंगे दिव्य स्तुति को, स्तुति की, जो माँ शक्ति को, माँ दुर्गा को समर्पित है। ध्यान से सुनिए। नमस्तेस्तु महारुद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी, अर्थात कि महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल, महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। अतः ये मंत्र, ये स्तुति माँ भगवती को ही समर्पित है, जो हमें हर बाधित कार्यों से निकालकर सुगम कार्य की ओर ले जाती हैं। जी हाँ, आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से दिए आपके जीवन को रोशन कर सकते हैं, कौन से दिए आप किस दिशा में जलाएं और क्या खास लाभ होगा आपको, जानकारी आपको आगे मिलेगी। लेकिन लखनऊ से हमारे साथ राहुल जुड़े हैं। जी, आपका स्वागत है शो में राहुल। जानकारी आपको आगे मिलेगी लेकिन लखनऊ। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए आप। चित्रलेखा जी, हेलो जी। राहुल जी नमस्ते। मैम नमस्कार। जनार्दन पंडित जी। हाँ नमस्कार, खुश रहिए। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10/8/1995 जी, और सुबह 10:30 जी, जन्म स्थान मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र जी, बोलें। सर मैं कोई काम करने जाता हूँ, मेरा बनता नहीं है, 2-3 दिन करता हूँ फिर छूट जाता है किसी ना किसी कारण। दूसरा सवाल है कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, भविष्य कैसा रहेगा। जरूर जरूर बताते हैं आपको। देखिए, कन्या लग्न की कुंडली बनती है आपकी और मकर राशि बनती है। राहु की महादशा चल रही है, बुध की अंतरदशा चल रही है,
मन में स्थिरता नहीं रहता है जब राहु की महादशा चलती है और उस कंडीशन में जब राहु द्वितीय भाव में बैठा हो। तो कोई भी कार्य करने जाते हैं महीना दो महीना छह महीना करने के बाद या तो मन उकता जाता है या वहां के लोग बाग आपसे तंग आ जाते हैं, अड़चने आ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम आपको उपाय बता रहे हैं, काम जरूर होगा आपका, अच्छा काम होगा। करना क्या है कि राहु की महादशा में माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, सरस्वती स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। घर में माँ सरस्वती की एक बड़ी सी तस्वीर लगाइए और तस्वीर में ध्यान रखिएगा कि माँ स्थिर मुद्रा में हो, बैठी हुई हो। उनके आगे रोज कपूर प्रज्वलित कीजिए, माँ का ध्यान कीजिए, घर से निकलते हुए उनके दर्शन करके जाइए, आपका काम होने लगेगा। जी हाँ, और आज हम आपको बता रहे हैं कि दीपावली को बस कुछ ही दिन रह गए हैं और लगातार आज से लेकर दीपावली तक अगर आप खास दिशा में दिए जलाते हैं और जो विधि आपको बताई जाएगी आचार्य जी द्वारा उसे अपनाते हैं तो यकीनन आपको कुछ खास लाभ होने वाला है। और आचार्य जी, दियों को लेकर कहा भी जाता है कि जिनकी रोशनी होती है कहीं ना कहीं हमारे जीवन से नकारात्मकता को, अंधकार को, निराशा को दूर कर रही होती है। इस तरह से अगर हम बात की जाए, पीतल का दिया अगर घर में प्रज्वलित किया जाए तो इससे हमें क्या खास लाभ होगा, किस समय इस दिए को जलाना चाहिए और तमाम जानकारी आप बताएं। जरूर, देखिए पीतल का दिया तो हर एक घर में मिलता है लेकिन बहुत महत्व रहता है, पीतल के दिए का बहुत मायने रखता है। जब भी पीतल का दीपक आप प्रज्वलित करें तो दिशा पूरब की ओर होना चाहिए, घी का दीपक ही जलना चाहिए पीतल के दिए में। अब देखिए तेल और दियों का अलग अलग महत्व है, पीतल के दीपक में घी का दीपक होना चाहिए और समय सूर्योदय का होना चाहिए, जब सूर्य भगवान उग्रीण हो, जब सूर्योदय हो तब आप दीपक प्रज्वलित करें। और इससे लाभ क्या होगा कि लक्ष्मी का आगमन होता है, पीतल के दिए में घी से दीपक प्रज्वलित करने पे लक्ष्मी का आगमन तो होता ही होता है, सभी देवताओं की कृपा बनती है, मतलब देव कृपा भी मिलती है। अगर जीवन में ऋण हो, देव ऋण हो, उससे आप मुक्ति पा जाते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं। तो पीतल का दिया का ये महत्व है, इसमें जरूर आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। जी हाँ, और अब भुवनेश्वर से चित्रलेखा जुड़ी हैं जी, आपका स्वागत है शो में। चित्रलेखा जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है चित्रलेखा जी से हमारी जो है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बहुत सारी जानकारियां आगे बताएंगे आपको राशिफल कल के दिन का। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब बात करते हैं लाइव इंडिया की एक उपलब्धि की। लाइव इंडिया की प्रोग्रामिंग हेड और लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह जी को कल शाम 6 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ज्योतिश्री 2016 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान जीतू सिंह जी को ज्योतिष शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ काम करने की वजह से दिया गया है। ये अवार्ड डॉक्टर जीवीजी कृष्णमूर्ति, जो कि फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने दिया है। और कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं महाबल मिश्रा, जिन्होंने आचार्य जीतू सिंह को ये अवार्ड दिया। आप देख सकते हैं कई जानी मानी हस्तियां भी इस कार्यक्रम में मौजूद रही। Other Auckland science has her own client who तो आचार्य जी अभी देख सकते हैं कि लाइव इंडिया की जो प्रोग्रामिंग हेड हैं आचार्य लाइव डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह जी, जिनको बहुत ही सम्मानित किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में ज्योतिष श्री 2016 अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये सबसे पहले तो इनको बहुत सारी शुभकामनाएं, अपना आशीर्वाद देना चाहूंगा, शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि आज के समय में ज्योतिष में ऐसे विद्वानों का होना जरूरी है, क्योंकि ज्योतिष आज के समय में कुछ लोगों की वजह से बदनाम होता जा रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे लोगों का ज्योतिष की दुनिया में आना, मतलब ज्योतिष की उपलब्धि है, ज्योतिष की दुनिया की उपलब्धि है कि ऐसे लोग ज्योतिष की दुनिया में आ रहे हैं, ज्योतिष का नाम रोशन करें, और इन्हीं लोगों की वजह से कभी भी ज्योतिष का नाम नीचे नहीं होगा। अतः मैं
इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि जिंदगी में खूब आगे बढ़े और ज्योतिष के प्रति जो इन्होंने अपना समर्पण दिखाया है ये समर्पण बना रहे, ज्योतिष की सेवा में इनका जीवन व्यतीत हो और बहुत सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, तो बेस्ट एस्ट्रोलॉजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है लाइव इंडिया की प्रोग्रामिंग हेड और लाइव डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह जी को ये अवार्ड दिया गया है। help in understanding the life of other about their past, present and future by seeing the position of their planet. 7 years she started her career in astrology. Life designer Acharya Jitu Singh also lives India news channel programming the mega show of astrology. Jitu Singh works of lives in tarot and other occult signs. She has her own client. जी हाँ, तो डॉक्टर जेवीजी कृष्णमूर्ति और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महाबल मिश्रा द्वारा जो है इन्हें अवार्ड दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, और आचार्य लाइफ डिजाइनर जीतू सिंह जी को बेस्ट एस्ट्रोलॉजर का अवार्ड दिया गया है। ज्योतिषश्री सम्मान 2016 से नवाजा गया। Life or other about their past, present and future by seeing the position of their planet. 7 years. तो ज्योतिष में अपना एक महान जो है योगदान देने के उपलक्ष्य में उन्हें ये अवार्ड से भी नवाजा गया। ये बहुत बड़ी शुभकामना है हमारी तरफ से भी। आप शुभकामनाएं हैं, ऐसे लोगों का आगमन जरूरी है ज्योतिष के क्षेत्र में। बिल्कुल, और चलिए अब ऐसे ही खुशियां आगे बढ़ाते चलते हैं और बात कर लेते हैं। दीपावली आने वाली है और घर में दिए तो आप जरूर जलाएंगे, लेकिन खास दिए अगर अपने घर में आप प्रज्वलित करेंगे तो यकीन मानिए विशेष लाभ आपको होने वाला है। जैसे कि अब हम आपको बताने वाले हैं कि उड़द का जो दिया बनता है ये भी आप बताएं आचार्य जी कि उड़द का दिया किस तरह से तैयार किया जाए और इसे इसकी विधि के साथ साथ किस दिशा में किस समय में इसे जलाने से क्या लाभ होगा, ये आप समझ। जरूर देखिए, उड़द का दिया बहुत ही विशेष होता है और इसकी तैयार करने की विधि ये होती है कि उड़द पीस लीजिए, उसका आटा बना लीजिए, फिर उसको आप थोड़ा ठोस रखिए ताकि वो टूटे नहीं, छोटे छोटे दिए बनाइए। और उड़द का दिया मतलब प्रज्वलित करने का जो दिशा होता है वो उत्तर और दक्षिण दिशा होता है, मतलब उत्तर और दक्षिण दिशा होना चाहिए। दो बाती का दीपक होता है, मतलब एक ही दीपक में दो बाती लगता है, आगे की ओर भी पीछे की ओर, मतलब सेम डायरेक्शन में। तिल के तेल का दीपक होता है, इसमें तिल के तेल का ही दीपक प्रज्वलित होता है उड़द के दिए में। समय जो रहेगा निशाकाल रात्रि 11 बजे के बाद, रात्रि 11 बजे के बाद का समय होता है इसका। अब इस दिए का लाभ सुनिए, घर में अगर नकारात्मक शक्तियां हो गई हैं, दूर होती हैं, नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, उन अतृप्त आत्माओं को शांति मिलती है जो अकस्मात दुर्घटनावश दुर्भाग्यवश इस दुनिया से समय से पहले विदा ले चुके हैं, उन लोगों को शांति मिलती है। या जाने अनजाने कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति आपका पीछा कर रही हो, आप दुखी हो, उन दुख से भी आपको छुटकारा मिलता है इस दीपक से। बिल्कुल, फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आप देखिए कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आने वाले हैं, देखिए झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, खुशियों की रोशनी हम सबके जीवन में होनी चाहिए, इसीलिए आज हम आपको दियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि इस दिशा में कौन सा खास दिया आप जलाएं। आज से लेकर दिवाली तक अगर ये खास प्रयोग करेंगे तो यकीनन आपके जीवन में एक परिवर्तन होगा सकारात्मक रूप में और विशेष लाभ भी आपको हो रहा है। आगे बताएंगे कि मिट्टी का दिया आप जो है किस दिशा में जलाएं और इससे क्या लाभ होगा, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं राहु काल के बारे में। ये अशुभ समय होता है, कल कब आएगा राहु काल, आइए आपको बताते हैं। जी, बात करेंगे कल के मंगलवार के। कल राहु काल का जो समय रहेगा दोपहर 3 बजे से लेकर दोपहर 4:30 तक रहेगा। ये वो समय है कि अगर आप कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं, अड़चने आती हैं, उलझते हैं, इस समय से आप बचिए। जी हाँ, तो राहु काल तो आपने जान लिया मंगलवार का, लेकिन गुलिक काल तो बहुत ही अच्छा समय होता है, इसे भी आप नोट कीजिए ताकि इसमें आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। गुलिक काल कब आएगा आचार्य जी? कल की गुलिक काल की अगर हम बात करें तो दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1:30 तक का समय रहेगा। ये वो समय है कि इसमें कोई भी कार्य आप करते हैं सफलता की ओर जाते हैं, इस समय को नोट कीजिए, अच्छे कार्य कर डालिए। जी हाँ, और चलिए अब आपको बताते हैं कि मिट्टी का दिया क्या कमाल दिखा सकता है आपके जीवन में, किस दिशा में इसे आप प्रज्वलित करें और क्या विधि होनी चाहिए, लाभ क्या होगा, आइए जानते हैं। जी आचार्य जी, बात करेंगे मिट्टी के दिए की। तो मिट्टी का दिया बड़ा विशेष होता है। मिट्टी का दिया जब आप प्रज्वलित करें तो दिशा दक्षिण का होना चाहिए। चार बाती अर्थात चौमुख दीपक भी इसको बोलते हैं, कि मतलब एक ही दीपक में चार बाती जलनी चाहिए। सरसों के तेल का दीपक होता है ये, मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल प्रज्वलित करें अच्छा रहेगा। जो समय रहेगा इसका रात्रि 10 बजे के बाद कभी भी जलाइए आप, मतलब रात को 10 बजे से लेके 2-2:30 बजे रात तक कभी भी जलाइए, प्रज्वलित कीजिए, अच्छा रहेगा। इसका लाभ जो मिलेगा आपको बड़ा विशेष लाभ होता है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होती है, कोई भी अकस्मात दुर्घटना हो उससे बचाव होता है। पहली चीज तो यह कि अकस्मात दुर्घटना होती ही नहीं है आपके जिंदगी में, और पितरों की प्रसन्नता हमेशा आपको मिलती रहती है जिससे आपकी बरकत बनी रहती है। जी हाँ, आटे और गंगा जल का मिश्रण बना करके आप इसका भी एक दिया तैयार करेंगे और उससे कुछ खास लाभ होगा, ये जानकारी भी बस हम आपको आगे देने वाले हैं। लेकिन दिल्ली से ऋचा जुड़ी है। जी आपका स्वागत है शो में। जी ऋचा आचार्य जी, राधे राधे। नमस्कार जी। आचार्य जी, मुझे अपने बहन के बेटे के बारे में पूछना था। जी बताएं, जन्म की तारीख? उसकी तारीख 8 नवंबर 2011। जी, समय? दोपहर 1:12 1:12 जी। जन्म स्थान अलीगढ़ जी। क्या सवाल है आपका? आचार्य जी, इसके ना ब्लड में बार बार संक्रमण हो जाता है और बार बार बीमार पड़ता है बहुत जल्दी जल्दी, फिर चलो ये आयु संकट तो नहीं है और ये आगे मतलब बहुत शरारती है, परेशान करता है सबको जी। भविष्य जरूर देखिए, मकर लगन की कुंडली बनती है और जो राशि बनती है मीन राशि बनती है। बुध की महादशा शनि की अंतरदशा चल रही है, शनि की अंतरदशा जब तक चलेगी, मतलब ये मानिए कि इस कुंडली के हिसाब से 17 मई 2019 तक है, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा चिंता बनी रहेगी। आयु संकट नाम की कोई चीज नहीं है, आयु संकट बिल्कुल नहीं है, दीर्घायु बच्चा है, निश्चिंत रहें। हाँ, आपको उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिएगा। इस बच्चे के हाथ से जौ का दान करवाना शुरू कीजिए शुक्रवार के दिन, और साथ ही साथ हम आपको ये कहेंगे कि बच्चे को विशेष तौर पे गाय का देसी घी खिलाना शुरू कीजिए, किसी भी चीज में, किसी भी आहार में उसका लाभ मिलेगा आपको। जी हाँ, आगे हम आपको गुलिक काल भी बताएंगे, बहुत अच्छा समय गुलिक काल तो आप जान चुके हैं, बहुत अच्छा समय होता है और कल के दिन का आपने नोट किया है, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं लकी कॉलर से, इन्हें लगाते हैं अब हम कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी आपका स्वागत है शो में, अपना नाम स्थान बताएं पहले आप। हेलो जी, हेलो
जी क्या नाम है आपका? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, श्रुति बोल रही हूँ। श्रुति, श्रुति कहाँ से बात कर, श्रुति आप कहाँ से बात कर रही हैं? जबलपुर मध्य प्रदेश। जबलपुर से जी, बधाई आपको, आज की लकी कॉलर हैं आप। शो कैसा लगता है आपको? थैंक यू मैम, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है और शो भी बहुत बेस्ट है। और जो भी मेरी मॉम बहुत फॉलो करती है शो को, जितना भी आप बताते हैं सब वो फॉलो करती है। अरे बहुत अच्छी बात है श्रुति, तो अब हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्या जो भी है उसका भी निवारण पाएं। तो डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? जी आपकी आवाज कट रही है मैम। मेरे सिस्टर के लिए मुझे पूछना है। जी उनके जन्म की तारीख क्या है? मैम उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर 1989। जी समय? समय है 4:10 PM। PM और प्लेस? जबलपुर मध्य। जबलपुर, क्या सवाल है आपका? मैम मुझे उनके बारे में ये पूछना है कि उन्होंने अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम दिया है जी। तो क्या वो इस बार क्वालिफाई होगा कि नहीं, और उनकी शादी कब तक होगी, उनकी शादी के बाद की लाइफ कैसी रहेगी? जी बिल्कुल जरूर। देखिए मीन लगन की कुंडली बनती है और मीन राशि बनती है, लगन में ही चंद्रमा है। शुक्र की महादशा केतु की अंतर्दशा चल रही है और शुक्र में केतु चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अभी हम नहीं बोल सकते आपको। गवर्नमेंट जॉब का योग है, सूर्य की वजह से योग है, सूर्य नीच के हैं लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जॉब का योग बन रहा है। वो 27 अप्रैल 2017 के बाद, मतलब 2017 संभावित है इनके गवर्नमेंट जॉब के लिए, 17 और 18। शादी का योग 17 नवंबर के बाद से शुरू हो रहा है, अच्छा योग है। इनको मोती धारण करवाइए, मोती धारण करने से लाभ होगा क्योंकि पंचम भाव दूषित है। जब पंचम भाव दूषित होता है तो आदमी पढ़ाई लिखाई या जॉब के लिए प्रतियोगिता में बार बार असफल होता है। तो पंचम भाव के लिए मोती धारण करवाइए, कम से कम 8.5 रत्ती का चांदी में लाभ होगा। जी हाँ, तो श्रुति आपको ढेरों शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आटे और गंगा जल का जब दिया तैयार होगा तो ये क्या लाभ पहुंचाएगा, किस समय इसको आपको अपने घर में प्रज्वलित करना है और क्या लाभ है, आइए जानते हैं। जी आचार्य जी, बात करेंगे कि आटा और गंगा जल से दीपक तैयार करना है आपको, और जो समय रहेगा वो संध्या का समय रहेगा। दिशा रहेगा ईशान को, जलाना किससे है, प्रज्वलित किससे करना है, घी से, घी का दीपक। और इसकी जो बत्ती होगी दीपक की वो एक होगी, मतलब एक ही ज्योत होगी। समय मतलब जो समय रहेगा संध्या का, गोधूली का समय रहेगा, मतलब यूं मानिए कि 5 से 6 बजे के बीच का गोधूली का समय माना गया है। इस समय में ये दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। लाभ क्या मिलेगा? लाभ आपको निरोगता प्राप्ति होती है। घर में अगर कोई बीमार हो, बीमारी का माहौल हो, तो रोग दूर होता है, आदमी निरोग होता है, इससे ज्ञान बढ़ता है। बच्चों के लिए बहुत कल्याणकारी दीपक है, पढ़ाई लिखाई ज्ञान के लिए गुरु की कृपा प्राप्त होती है। वो लोग जो जिंदगी में भटकाव झेल रहे हैं, भटकाव के रास्ते पे हैं, उनको ये उपाय जरूर करना चाहिए जिनको कोई दिशा ना मिल रहा हो। बिल्कुल, फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कल दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि आपको अपने घर में किस स्थान पर कौन सा खास चिन्ह अंकित करना है या बनाना है कह लीजिए, जिससे कि आपके घर में सुख शांति धन वैभव सब कुछ आप जल्दी से प्राप्त कर जाएं। अहम जानकारी कल दोपहर 2 बजे होगी। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। एक हसीना जो दीवाना बना है, काश वो मुझे मिल जाए, कोहिनूर। महाराजा लोगों की महाराजा पसंद। अब ना होगा केवाईसी का झंझट और ना मार्जिन पेमेंट का। सर आपका चाय। और भाभी जी कैसी हैं? हम मायके में, ठीक ही रहती है। और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। और ना हमारा नाम कहीं पे आएगा। इसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग।
इसी को कहते हैं डब्बा गुल। क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग करना या करवाना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। सिर्फ सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। देश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में, उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। बैठक में बोले मुलायम सिंह यादव, पार्टी में टकराव से हूं दुखी, पार्टी बनाने के लिए खाई लाठियां, जो उछल रहे हैं वो नहीं झेल पाएंगे एक भी लाठी, शिवपाल अखिलेश को मिलवाया गले। शिवपाल ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा कसम खाकर कहता हूं अखिलेश ने नई पार्टी बनाने की कही थी बात, यूपी में मुलायम संभाले नेतृत्व, अमर सिंह का किया बचाव। मीटिंग में अखिलेश ने अमर सिंह पर बोला हमला, कहा उनके बयान से हूं आहत, अमर ने कहा था अखिलेश नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री, अखिलेश ने इस्तीफे की पेशकश। मुलायम के सामने मंच पर अखिलेश और शिवपाल में नोकझोंक, अखिलेश ने कहा मेरे खिलाफ साजिश बंद कीजिए, शिवपाल ने कहा क्यों झूठ बोलते हो अखिलेश। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर जोरदार हंगामा, शिवपाल और अखिलेश यादव के समर्थक आपस में भिड़े, भारी संख्या में फोर्स तैनात। जम्मू कश्मीर के अरसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग, बीएसएफ के हेड कांस्टेबल सुशील कुमार शहीद, 3 आम नागरिक घायल, 20 से ज्यादा चौकियों पर हुई गोलीबारी। घुसपैठियों को खदेड़ने वाले बीएसएफ जवान गुरनाम सिंह का आज होगा अंतिम संस्कार, पाक रेंजर्स की फायरिंग में हुए थे घायल। और पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का करेंगे दौरा, गैस पाइपलाइन परियोजना का करेंगे उद्घाटन, काशी को देंगे 800 घाट।